अग्निपथ का विरोध करने वालों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पूरा विपक्ष जब भारत बंद का आह्वान किया था वहां बिहार की सड़कें पूरी तरह खुली रही, सड़कों पर आवाजाही जारी रहा, दुकानें खुली रही, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुले रहे। विरोध करने वाले अब सड़क से बाहर चलेंगे और नेपथ्य में रह करके उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। तो हम बता दें कि पहली बार 3 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा पुनः बहाल हुई है। दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के रेलवे स्टेशन से अब ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हो गया। जहां एक तरफ यात्रियों में खुशी थी, उनका कहना था कि किसी भी तरह सरकारी संपत्ति या आम लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये न तो नैतिकता है न ही प्रजातंत्र ने आपको अधिकार ही दिया। गुस्से में आकर के आप विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आपको हक नहीं है, आप दंड के भागी होंगे। इसी तरह बिहार में करीब 1000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है, उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज के बाद कार्रवाई भी की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि आप कभी भी सरकारी नौकरी में आप नहीं आ सकेंगे, सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन की हालतें आज यात्रियों में खुशी थी। तो वही इंक्वायरी में काम करने वाले क्लर्क का कहना था कि आने जाने वाले सभी लोकल ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दूरगामी ट्रेन यहां से अब चलना प्रारंभ हो गई है। हालांकि कई ट्रेनों का उन्होंने नाम भी दिया। देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक रिपोर्ट। आज समस्तीपुर कमर्शियल कंट्रोल द्वारा 6 गाड़ी का सूचना मिला है जो कि चलने जा रही है। गाड़ी संख्या 1584 जयनगर मनिहारी, गाड़ी संख्या 0 25 69 दरभंगा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 1 25 65 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 1162 जयनगर लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 1186 जयनगर सियालदा गंगा सागर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 1261 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। ये 6 गाड़ी का सूचना हुआ है जो कि आज से चलने जा रही है। पैसेंजर की अभी कोई अगले आदेश तक सूचना नहीं है। राजन कुमार पासवान, दरभंगा इंक्वायरी। फिर तो हो ही रही है, इतने नुकसान हुए लोगों को, टिकट कैंसिल हो गया है, जा रहे। कौन सी ट्रेन है ये? बिहार संपर्क कर दरभंगा से नई दिल्ली। बहुत खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात ही नहीं कि देश में शांति की भावना बनी है। सबको अच्छा, जो युवा ये देखो प्रदर्शन करना, शांत प्रिय करना सही है, उपद्रव मचाना, आग लगाना ये सब सही है। आग लगाने से, लोगों को मारने से, बस जलाने से, ट्रेन जलाने से, ये किसके किसके फायदे की? ये नुकसान, ये नुकसान किसका हो रहा है? आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। अरे बड़े आप बहुत नुकसान किया है, नुकसान करने से क्या फायदा मिलता है? विरोध करो, प्रदर्शन। जनता को दिक्कत हुआ, पब्लिक को दिक्कत हुआ, जितना जो नुकसान हुआ है वो गरीबों को भरना पड़ेगा, जनता को भरना पड़ेगा ना। सरकारी संपत्ति पर नुकसान नहीं ना देना चाहिए। आज कितने हमको तो लग रहा है 4-5 रोज हो गया है, इतना टिकट वापस हुआ, 1 करोड़ टिकट वापस हो गया, इसका नुकसान हुआ। ये नुकसान होने से वो सेना बन जाएगा क्या, या पुलिस बन जाएगा क्या? सेना का मतलब क्या, देश का रक्षा करना या नुकसान करना? दिल्ली कौन सी ट्रेन है? बिहार से पकड़ा हम लोग का तो जब का टिकट है उसी दिन निकलेंगे, आज का टिकट था तो आज निकल, फिर तो वापस नहीं होता, फिर तो नहीं जाते, फिर तो रद्दी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, मैं देखूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। अच्छा, हाँ, और राहत ही मिल गई, डर लगा हुआ था कहीं कुछ हो ना जाए, वो नेट भी नहीं था उससे, और मतलब टाइम पास हो ही नहीं रहा था। ये तो गाँव आए हुए थे, गाँव में वैसे ही बोर हो रहे थे, फ़ोन होता साधन वो भी नेट बनता तो कुछ भी नहीं। नई दिल्ली वही कि सरकारी संपत्ति नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है ना, अगर शांतिपूर्ण आग करो तो करना है, इतनी आग लगाने पर पब्लिक को कितना नुकसान है, कितना बर्बादी हो रही है, ये सब।